आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के पहले सूर्य मिशन का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक कर रही थी। इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी हैं, जिनकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। निगार शाजी, जो कि इसरो की सीनियर साइंटिस्ट है, वो मूल रूप से तमिलनाडु के शेंगोट्टई की रहने वाली है। यही के एक साधारण सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। ये शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही। अदिति एलवन को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाजी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति एलवन को। तो जाहिर सी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट, आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे, यू नो, पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जा रहा है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। एक जो के इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहाँ पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है ये। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु के ही तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए निगार शाजी ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमटेक की डिग्री पूरी की। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को ज्वाइन करने का मौका मिला। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में, भाई उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे? इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है। चंद्रयान 3 में दो मुसलमान लड़के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेस में पूरा का पूरा अहम भूमिका निभाया और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आदित्य एलवन तो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, लेकिन इसके पीछे कई ऐसे हमारे साइंटिस्टों की कड़ी मेहनत रही। अगर इसके डायरेक्टर की बात करें तो हैरान कर देने वाली एक रिपोर्ट आई है कि निगार साजी जो है हमारी एक मुस्लिम वुमेन साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने काफी साल तक इसरो में अभी काम किया है। अगर आप चंद्रयान 3 की ले लीजिए, जो कल्पना कलास थे वो उसके डायरेक्टर थे, फिर रितु करिमल, या मैं कुछ नाम में गलत होगा, उनको रॉकेट वुमेन बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारे जो वुमेन है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है और ये इंडिया दिखा रहा है कि हमारे इसरो जो एक मतलब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी हमारे हम महिला वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीता जागता झलक दिखाता है, दुनिया को एग्जांपल देता है कि भाई हम हमारे जो वुमेन है और हमारे हमारे जो महिलाएं उनको कितना सम्मान देते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी बिल्कुल ही हैरान है कि भाई ये जो महिलाएं हैं वो कैसे इतना कारनामा करके दिखा रहे हैं, हमें तो यहां पर मतलब बुरके से ही बाहर जाने के लिए नहीं दिया जाता। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पर। देखिए, ये जो मून मिशन और सन मिशन और स्पेस की इतनी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि कमाल के मिशंस जो है वो जा रहे हैं, आपको पता है कि इसके पीछे सिल्क साड़ी या जैस्मिन फ्लावर्स की बात की जाती रही है। तो जो सिल्क साड़ी पहनने वाली खवातीन हैं और जो जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं, बालों में फूल लगाकर जो है आपको तस्वीरें नजर आती हैं खवातीन की, लगता है कि बड़ी नाजुक सी ये खवातीन है और ये जो औरतें हैं ये बड़ी मतलब घर में बैठी रहने वाली फूल की पंखड़ी सी। और वैसे भी क्योंकि मून मिशन गया है तो हम कहते हैं ना कि चांद सा चेहरा और फूल की कलियों सा चेहरा। तो जो औरतें होती हैं, जो खवातीन हैं, जो विमेंस हैं, उनको आमतौर पे आप अगर देखिए उर्दू पोइट्री में या शायरी में, हिंदी पोइट्री में, उनको इसी तरह लिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी इम्प्लॉयज हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरो ओवर 16,000 इम्प्लॉयज विमेंस जो है वो 25% हैं 16,000 इम्प्लॉयज में। इस वक्त हम जिन खवातीन की बात कर रहे हैं वो ना तो अपने बालों में फूल लगाती हैं, जैस्मिन की हो, गुलाब की हो, किसी भी चीज़ की हो, या ना ही वो सिल्क साड़ियां पहनती हैं। आमतौर पर जब वो अपने ऑफिस में यानी कि इसरो में काम करने आती हैं तो वो कॉटन की साड़ी में नजर आती हैं और बहुत ही सादा और विदाउट मेकअप उनका फेस होता है। और वैसे भी हमने देखा है कि इंडिया की जो खवातीन है आम, यानी अगर आप बॉलीवुड से बाहर निकलें तो उनका जो रहन सहन और स्टाइल है वो मेकअप वगैरह या इस तरह का वो खास इतना नजर नहीं आता। ये बड़ा फर्क हमें नजर आता है पाकिस्तान और इंडिया में। वो निगार शाजी, इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाजी जो है वो बहुत ही कमाल की खातून है और ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां पर क्लैप होता है और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ, वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती है वो उनके साथ, वो सिर्फ खड़े होते हैं और खातून जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाजी, वो स्पीच करती हैं और बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो है गया का। एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं, और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने
एक फार्मर की बेटी है, ये एक किसान की बेटी है, फिर उन्होंने किस तरीके से तालीम हासिल की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे उनको दाखिला मिला, वहां पर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए कि मैं जब इन खवातीन पर नजर डाल रही हूँ तो इनमें सब के सब की जो तालीम है वो इंडिया की है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही ऐसी औरतें नजर नहीं आ रही कि जो बाहर जाके जो है वो उन्होंने वहां पर तालीम हासिल की है, फिर वो नहीं, सबकी तालीम जो है वो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की है, स्कूल्स की है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं, इससे एक और एंगल निकलता है इस बात का, इस टॉपिक का, कि आप ये देखिए कि वहां के स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो मायार तालीम है, जो एजुकेशन लेवल है वो कैसा है, कि जो इस वक्त स्पेस एजेंसी जिसको जिसकी नासा तारीफ कर रहा है और कहा जा रहा है कि अब ये बीट कर देगी इसको और इसको और इस स्पेस एजेंसी को, उसके जो पढ़ने वाले यानी कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो कहां से पढ़ के निकले हैं, कहां के पढ़े लिखे हैं उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज के। अच्छा जी, फिर वन ऑफ इसरोज मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स अनुराधा टीके हैं और वो जो है फर्स्ट वुमेन सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1982 में ज्वाइन किया, स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नंदिनी हरिनाथ हैं और वो डेप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर्स फॉर द मार्स ऑर्बिटर मिशन हैं। जी, मार्स की ऑर्बिटर मिशन की जो है वो नंदिनी हरिनाथ, क्या बात है, कमाल है। मंगलयान आ रही हूँ, वुमेन्स फ्रॉम मार्स कहा जाता है इनको, श्रीवास्तव ने ये बताया। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में भाई, उनके पीछे किनका हाथ है, औरतों का, मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स, सोचें आप क्या कमाल बात है। तो मोर देन 50 वुमेन साइंटिस्ट वर इन्वॉल्व इन द चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, कि लड़कियों को भी आप पढ़ने के लिए इंडिया भेजिए, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में कुछ इस तरह का इंटरेक्शन शुरू करें कि कुछ इस तरह की चीजें हों जिससे उनको वहां की अब इसरो स्पेस एजेंसी में जाने का मौका मिले और वो वहां से इसकी स्पेस की जो तालीम हासिल करें। वहां की जो ये जिनके मैंने नाम लिए हैं और जो और बहुत सारी हैं, वहां पर अपनी लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजिए प्लीज। तो इसरो में जो 30-40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही है वो भी वुमेन है और मुस्लिम वुमेन है। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि आदित्य एलवन की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं, आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस तरीके की स्कीम्स है, किस किस तरीके से वुमेन्स को, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे आदित्य एलवन की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजोरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाए दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है सुरक्षा कवच के। आदित्य एलवन को भी लीड करने वाली आशा जी वो भी जो है लीड कर रही थी आदित्य एलवन को, तो जाहिर सी बात है विमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में विमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो अभी मुझे लगता है कि विमेन्स को उस घर में रखा जाता है, विमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं प्रोपेगेंडे कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं, और वही मौलाना जो एक लड़की छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है। इंडिया की अगर बात करें मैं ये क्लियरली कहता हूँ कंपेरिजन हमारा नहीं बनता, लेकिन क्या हम सीख भी नहीं सकते? तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी भी हैरान रह गए निगार सादे जी के नाम सुनकर, और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके की कारनामा हमारी इसरो की महिला साइंटिस्ट करके दिखा रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कुछ भी हो, क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा चुल मस्ती है ना कि भाई प्रोपागंडा हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि भाई वहाँ मुसलमानों के साथ तशद्दुद होता है, तो भाई इस तरीके की तशद्दुद होता है तब जाके ये महिला हमारे जाकर डायरेक्टर के पोस्ट पर बैठते हैं एक बड़े बड़े मिशन के। तो इस तरीके की प्रोपागंडा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि खुद तो अपने महिलाएं और माँ और बहनों को बुरके से बाहर नहीं जाने देते और घर के बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि भाई मर्दों के बिना महिलाओं का कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये देख लीजिए, हमारे जो एक मुस्लिम बहनें या उनके मतलब हमारे माओ की एज की वो होंगी
जो निगार शाह जी, उन्होंने जाकर ये डायरेक्ट किया आदित्य एल1 को। 8 साल से वो ये मिशन में लगी हुई थी और डायरेक्टर थी, इतना कठिन मिशन था और ये सक्सेस भी हो गया। तो इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल और क्या हो सकती है। दुनिया को भारत हमेशा दिखाता है कि भाई हम हमारी महिलाओं को आगे रखते हैं, लेकिन जब अगर इंटरनेशनल प्रोपागंडा होता है तो इंडिया को दिखाया जाता है कि भाई भारत में हमेशा महिला पिछड़े होते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अब कुछ गांव में भी बस गया है। अब अगर आप सिटी में चले जाएं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पूरी टक्कर के साथ हमारे जो महिलाएं बहनें हैं वो पूरी टक्कर के साथ पुरुषों के साथ अपना काम में लगे रहते हैं और कुछ भी वहां पर डिफरेंस नहीं रहा कि पुरुषों और महिला के बीच, और काम में भी कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। जब इसरो के एक इतने बड़े मिशन के डायरेक्टर एक महिला हो सकती है, वो भी मुस्लिम महिला, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मतलब वहां पर वुमेन को मतलब दबाए रखा जा रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा एक बिल्कुल ही झूठ है, साफ झूठ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो निगार शाह जी के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।